दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और साइबर सेल ने एक फर्जी आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रोफेशनल सोशल साइट पर अपना फर्जी आईपीएस वाला प्रोफाइल बना रखा था, जिसके जरिए वो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे ठगी करता था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले मेजर आर के हुड्डा और सुनील सिंह ने थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक शख्स ने उन दोनों को नौकरी दिलाने का वादा किया और इस काम के लिए 4 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मामला साइबर सेल को रिफर कर दिया। साइबर सेल ने आरोपी की प्रोफाइल जांच की, उसके ठिकाने का पता लगाया, जिसके बाद साइबर सेल और इंदिरापुरम थाने की पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अनुज प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनुज प्रकाश खुद को आईपीएस अधिकारी बताता रहा। बाद में पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये फर्जी आईपीएस अधिकारी है। पूछताछ में आरोपी अनुज प्रकाश ने खुलासा करते हुए बताया कि जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वो लोगों को फर्जी आईपीएस बनकर ठगने लगा। इसके लिए उसने फर्जी आईपीएस की फेक आईडी भी बनाई, जिस पर पहले वो लोगों से दोस्ती करता था, फिर उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी का लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। उसके पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पता चल रहा है कि अब तक इस व्यक्ति ने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। आज थाना इंदिरापुरम पुलिस एवं साइबर टीम के संयुक्त प्रयासों द्वारा फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आया है कि अभियुक्त अनुज प्रकाश द्वारा लोगों में खुद की साख बनाने के उद्देश्य से खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की जाती है। यह लोगों को फर्जी ऑफर लेटर भी बना करके देता है और ये मूलतः जनपद आरा बिहार का रहने वाला है। इस संबंध में प्रकाश में आया है कि जनपद गाजियाबाद एवं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ये अभी तक कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। इस संबंध में इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।